Hey everyone, welcome back to my channel. This is Mansi. तो आज मैं लेके आ गई हूँ the most awaited video of the year. ठीक है, most awaited नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो वेट आपने की होगी ना इस वीडियो के लिए. तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ गई हूँ जहाँ पे हम करने वाले हैं Q&A, मतलब कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर करूँगी. और ये वीडियो मैं बनाने वाली थी लगभग 6 महीने पहले, और आप लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे थे, लेकिन तब मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे, अभी मैं क्या बताऊं. तो आज हम फाइनली ये वीडियो करने वाले हैं, और जो भी क्वेश्चंस मुझसे मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं मैं उनके आंसर्स दूंगी आज. तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना ले लेते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज लाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे अपना चश्मा पहनना पड़ेगा. और ये मेरा नया चश्मा है, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है. तो एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार लोग पूछ चुके हैं, वो है कि इन विच क्लास डू यू स्टडी. तो रियल लाइफ में भी मुझसे ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, और इसका आंसर ये है कि मैं किसी क्लास में नहीं हूँ, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ाई ख़त्म कर चुकी हूँ. और मैंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में. मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा आर्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है. उसके बावजूद मैंने आर्ट चैनल स्टार्ट किया. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ से MSc करने के बाद मैं YouTube पे कैसे आई, वो भी एक आर्ट चैनल लेके. तो उसकी एक अलग ही स्टोरी है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हाँ, तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और मैं किसी क्लास में नहीं पढ़ती हूँ. शायद आपको लगता होगा कि मैं किसी क्लास में पढ़ती हूँ, बट ऐसा नहीं है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट यू वांटेड टू बिकम. तो मैंने एक्चुअली कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मुझे क्या करना है. बस मुझे साइंस पढ़ने में मज़ा आती थी, इसलिए मैं साइंस साइड पढ़ रही थी. और मुझे लगता था कि ठीक है, इसी में कुछ करेंगे आगे चल के, बट पता नहीं था कि क्या करना है. फिर जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हो तो आपको बस एक ही चीज़ चाहिए होती है कि बस ठीक है, एक सरकारी नौकरी हो जाए. तो बस ऐसे ही मैं भी कुछ टाइम तक सोचती थी. और लेकिन फिर अब जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया, तब फाइनली मुझे पता चला कि मुझे यही करना था, और ये करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. और मज़े से भी बहुत बड़ी एक चीज़ है जो कि है आप लोगों का प्यार, वो मुझे मिल रहा है, और उससे ज़्यादा बड़ी मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं है. और कोई जॉब अगर मैं कभी करूँगी भी, तो मुझे नहीं पता कि उसमें मुझे मज़ा आएगा नहीं आएगा. बट एक चीज़ के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं यूट्यूब कभी नहीं छोड़ूंगी. मैं कुछ और भी करूँ अगर, तो भी जो आप लोगों का प्यार जो मुझे मिलता है, मैं इसको अब नहीं खो सकती हूँ. तो आप परेशान मत हो, मैं आपको इसी तरह पकाती रहूँगी. सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्लासेस लेते हो क्या. और इसी तरह का एक और क्वेश्चन था कि आपने कोई कोर्स किया है क्या. तो मैंने कोई कोर्स नहीं किया है आर्ट वगैरह का, बस आर्ट से मेरा कोई लेना देना भी नहीं था. बट ये चैनल स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैं खुद भी अभी तक सीख रही हूँ, और जो जो सीखती हूँ वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ. तो मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है. बस हाँ, बचपन से मुझे अच्छा लगता था कुछ ना कुछ बनाते रहना. मैं हमेशा से ही वेस्ट मटेरियल जो भी घर पर पड़े रहते थे, उनका कुछ ना कुछ मैं बनाया करती थी. और मुझे हमेशा से ही अकेले रहना पसंद है, मतलब मेरी मम्मी भी जॉब करती थी तो वो भी घर पे नहीं रहती थी, पापा भी नहीं रहते थे, मतलब मैं अकेले रहती थी घर पे. तो मैं पूरा दिन अकेले कुछ ना कुछ करती रहती थी. तो मैं कभी कुछ बनाती थी, कभी मैं गार्डनिंग करती थी, या मैं बस ऐसे ही घर पे कुछ ना कुछ करती रहती थी. तो बस वही अभी भी कुछ भी कर रहे हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पूछते हैं और मैं इसका हमेशा रिप्लाई भी करती हूँ, बट ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, तो मैं फिर से इसको यहाँ पे ले रही हूँ. और क्वेश्चन ये है कि विच ऐप डू यू यूज़ फॉर योर थंबनेल्स. तो थंबनेल्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ पिक्स आर्ट, एक ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी. और एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ इनशॉट ऐप. तो इनशॉट के अलावा भी एक और ऐप है काइन मास्टर. तो आप इन दोनों में से कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं. और मतलब मेरे आज तक जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी आप मेरे चैनल पर देखेंगे, वो सारे मैंने इनशॉट ऐप से ही
एडिट किए हैं, तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो हो सकता है आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सो, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि वीडियो बनाने में, 10 मिनट का वीडियो बनाने में सिर्फ 1-2 घंटा लगता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोग में से जो भी वीडियो बनाते होंगे उनको पता होगा कि वीडियो बनाना कितना लंबा प्रोसेस होता है। और अभी मेरे लिए ये चीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि मैंने 2 चैनल अभी स्टार्ट कर दिए हैं और हफ्ते में मैं 3 वीडियोज़ डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना ऑफकोर्स थोड़ा मुश्किल तो होता है, बट मैनेज हो जाता है। जब आप करने लगते हो चीज़ें तो जैसे तैसे मैनेज हो ही जाती हैं। और मैंने एक्चुअली चीज़ों को डिवाइड कर रखा है, मतलब मैं अपने दिन के हिसाब से सारे काम करती हूँ। हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं छुट्टी लेती हूँ, मतलब मैं वीडियो का कोई काम नहीं करती हूँ, मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ, मतलब बस खाना पीना बनाना और जो छोटे मोटी चीज़ें होती हैं बस वो करती हूँ। और बाकी दिन मैं बस आराम करती हूँ और देर तक सोती हूँ और वेब सीरीज़ देखती हूँ, मूवीज़ देखती हूँ, जो भी मतलब मुझे अच्छा लगता है वो मैं एक दिन करती हूँ, उस दिन मैं कोई काम नहीं करती हूँ। फिर हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जब मैं वीडियो का कोई काम नहीं करती हूँ, मैं घर का सारा जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो मैं करती हूँ। क्योंकि हफ्ते भर मैं वीडियो बनाती हूँ तो घर का मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, तो जो भी कपड़े धोना और कपड़ों में आयनिंग करना और जो भी साफ़ सफाई और जो भी बड़े बड़े काम होते हैं जो हमें लगता है कि हम छुट्टी वाले दिन करेंगे, तो वो सारा मैं काम एक दिन के लिए रखती हूँ और उस दिन मैं सारा घर का ही काम करती हूँ। उसके बाद बचते हैं 5 दिन, तो उन 5 दिनों में मैं अपने वीडियो शूट करती हूँ। तो मैं 5 दिन में 3 वीडियोज़ बनाती हूँ और वीडियो में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन सारे पार्ट्स के लिए मैंने अलग अलग दिन डिसाइड कर रखे हैं। जैसे कि एक तो वो पार्ट होता है जब मैं ओवरहेड कैमरा सेट करके DIY वीडियोज़ करती हूँ, दूसरा पार्ट वो होता है जब मैं इस तरह से फेस कैम करती हूँ, फिर एक पार्ट होता है जब मैं सारी चीज़ें डेकोरेट करके जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी फिल्मिंग करना, उसकी फाइनल पिक्चर्स लेना। तो क्योंकि यहाँ नीचे इतनी लाइट नहीं होती तो मैं अपना सारा फाइनल प्रोडक्ट लेके ऊपर जाती हूँ और वहाँ पे एक सेटअप लगाती हूँ, सारी चीज़ें डेकोरेट करती हूँ, जो भी पेड़ वगैरह पौधे रखने होते हैं उसको रख के जो डेकोरेशन होती है वो करके मैं फ़ाइनल अपनी फ़ोटो लेती हूँ और फाइनल वीडियो बनाती हूँ उसका। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीडियोस में, जैसे थंबनेल, वॉइस ओवर, एडिटिंग, अपलोडिंग, सब टाइटल्स ऐड करना, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो हर चीज़ के लिए मैंने दिन डिसाइड कर रखे हैं और उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। और मैं रात में सोने से पहले ही सोच लेती हूँ कि कल उठ के मुझे ये चीज़ें करनी है, तो कुछ इस तरीके से मैं सारी चीज़ें प्लान करके डिसाइड करके तब करती हूँ। सो, ये थे कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा मैं टाइम टाइम पे Q&A वीडियोस करती रहूँगी, तो आपके जो भी क्वेश्चंस आपको और पूछने हैं या कुछ लोगों के जिनके आंसर्स मैं नहीं दे पाई हूँ उनके आंसर्स मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में शायद दूँ। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।